आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कद्दू की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यकीन मानिए, इसे बच्चों को टिफिन में दीजिए, बच्चे पूरी रोटी खा जाएंगे। आप इसे ऑफिस भी ले जा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने कद्दू को छिलके निकाल दिए हैं और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से काट लिए हैं और इसे हम पानी में डालकर रख दिए हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई लिए है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दे रहे हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम जीरे और काले वाला राई डाल दिए हैं और इसमें साबुत 8 से 10 लहसुन की कलियां डाल दी है। इसी के साथ में 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज भी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो यह मिक्स हो गया है, तो अब ये जो हम कद्दू काट कर रखे हैं इसे भी इसी में डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद इसे हम ढक कर इसी तरीके से कुक होने देते हैं। इसमें हम 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर भी डाल देते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और 3 से 4 मिनट कम से कम 80% तक तो कद्दू पक ही गया है। तो इसमें अब हम मसाला डाल देते हैं, 1/2 चम्मच मिक्स गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसे 2 से 3 मिनट और कुक करते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। मिनट हो गया है, 2 मिनट में कद्दू बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, मैं आप सबको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, कद्दू की सब्जी बहुत ही सिंपल और झटपट बनकर रेडी हो गया है। तो आप सब इसे बच्चों को टिफिन या फिर ऑफिस भी ले जा सकते हैं, इसे रोटी पूड़ी या फिर तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही पसंद आएगा। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट।